देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। वॉट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड वॉट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन उनको ज़रूरी होती हैं, और उसमें जो प्रोडक्ट निकलता है वो यहाँ पे क्या निकलता है, जो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक एक तरह से यहाँ पे ग्रीन प्लांट को बोल सकते हैं, क्योंकि जो ऑटोट्रॉपिक मतलब वो होते हैं जो यहाँ पे खुद का खाना बनाते हैं। खुद का खाना कौन बना सकते हैं? जो ग्रीन प्लांट होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रेप करते हैं, जो यहाँ पे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हैं। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कि जिसकी वजह से वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि वो बाहर से लेता है, वाटर जो कि वो यहाँ पे रूट से लेता है, क्लोरोफिल जो उसके लीव्स में प्रेजेंट होती है, सनलाइट जो वहाँ पे किससे लेता है? सन से लेता है। इन चार प्रोसेस की वजह से वो अपना खाना खुद का बना सकता है, और इसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बाहर से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेगा, और क्लोरोफिल यहाँ पे क्या करती है? सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन यहाँ पे कर पाए। रिएक्शन के बाद वो वहाँ पे अपना खाना बना पाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी टू फॉर्म फूड लाइक ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो यहाँ पे ग्लूकोज होता है एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होता है, वो यहाँ पे क्या करता है? बाकी अपने पार्ट्स में देखे ग्रोथ के लिए यूज़ करता है और एनर्जी के लिए यूज़ करता है। अब पार्ट ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट एज स्टार्च विच कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वेन एवर द प्लांट्स नीड इट। तो यहाँ पे ग्लूकोज क्या होता है? धीरे धीरे करके इकट्ठा होता है। जब ग्लूकोज काफ़ी इकट्ठा हो जाता है तो वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक स्टार्च, स्टार्च भी यहाँ पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ग्लूकोज यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं सिंपलर फॉर्म है, और स्टार्च यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो ग्लूकोज यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ? इकट्ठा होने लगा। अब ये ग्लूकोज नहीं कहलाया जाएगा, अब इसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? स्टार्च बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको यहाँ पे? स्टार्च बोलेंगे। तो स्टार्च वहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे वहाँ पे बनने लगेगा। और वो क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए वहाँ पे क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो वो जैसे ही इसको नीड होगी, वो धीरे धीरे यहाँ पे अपना फूड यहाँ पे लेने लगेगा और अपने आगे के लिए यूज़ करेगा। तो प्लांट का करेगा अपनी रिक्वायरमेंट और ग्रोथ के हिसाब से वो जो फूड बनाया उसने वो यूज़ करेगा। द मेजर बाय प्रोडक्ट, जो यहाँ पे हमें बताना भी था कि इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या बनेगा जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो वो यहाँ पे क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। विदाउट ऑक्सीजन तो हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स मर जाएंगे। तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन गैस है, जो कि वो कहाँ पर करता है? स्टोमेटा में करता है। जो यहाँ पे लीव्स में क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कहाँ से लेता है? स्टोमेटा से लेता है। और जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो भी कहाँ पर होती है? स्टोमेटा पर ही होती है। तो होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।